नमस्कार दोस्तों, मैं लात्रा सिंगला आजाद टीवी चैनल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमें जानकारी मिली है कि रेड क्रॉस सोसाइटी में हेल्थ कैंप लगा हुआ है, आओ हम इसकी जानकारी लेते हैं। आओ हम रेड क्रॉस सेक्रेटरी जी से मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मैं राम जिलाल, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी कैथल के सचिव के पद पर कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मैं पिछले 11 महीने से कार्य कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि कैथल में समाज सेवी संस्थाओं के साथ जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग अच्छा तालमेल बनाकर किया जाए। जो आज हेल्थ कैंप लगाया हुआ है, हमें पता चला है, इसके बारे में सर बताएं। आज माननीय डीआर शर्मा जी के आदेश, जो महासचिव है हमारे जिला रेडक्रॉस कैथल के, हमारे महासचिव हैं, उनके आदेशों की पालना में आज जिला रेडक्रॉस सोसाइटी कैथल में कैंप लगाया गया है। इसमें जो प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं, रेडक्रॉस का जो एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है, वो प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। उनका आज हमने हेल्थ चेकअप करवाया है, जिसमें ब्लड शुगर, ब्लड क्वांटिटी और अन्य जो रोग जैसे डे टू डे आजकल बढ़ रहे हैं, शुगर की है जैसे बीमारियां, हेपेटाइटिस है, इन सभी की जांच की गई और साथ में दवाइयां भी मुफ्त दी गई है। आज जो हेल्थ कैच चेक करवाने आए हैं, वे कितने लोगों ने चेकअप करवाया सर? आज लगभग 150 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया और उनका चेकअप करवाया गया। और यह जो कैंप है, ये सिग्नस हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है यहाँ, उनके सहयोग से लगाया गया है। दवाई वगैरह भी सर जो मरीजों को दी गई है, ये फ्री? हाँ, ये दवाइयाँ आज इनको फ्री वितरित की गई है, ये सिग्नस हॉस्पिटल ने ही उपलब्ध करवाई है। और इसमें माननीय डी साहब के भी आदेश हैं कि इस तरह के आयोजन जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के द्वारा करवाए गए, समय समय पर इसी की कड़ी में आज ये पहला कैंप लगाया गया है। आजाद न्यूज में आपका स्वागत करते हैं सर, आपका शुभ नाम? डॉक्टर जी। जो आज हेल्थ चेकअप लगाया गया है, इसके बारे में बताइए। पहले हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है इनका, और किसी को कोई तकलीफ थी, बीपी की है, शुगर की है, तो उनको अगर दवाई की जरूरत थी तो दवाई दी गई, और नहीं तो इनकी शुगर या बीपी चेक किया गया, जिसको कोई प्रॉब्लम या उनको कुछ गाइडलाइन दिया गया भी ऐसे करना चाहिए। जो आप लोग ट्रेनिंग वगैरह करवा रहे हैं सर, इसके बारे में बताइए। यहाँ ये लोग ड्राइवर लाइसेंस के लिए आते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस के दौरान एक वनडे की बेसिक फर्स्ट एड ट्रेनिंग शुरू की गई है। और इस वनडे बेसिक फर्स्ट एड ट्रेनिंग में हम फर्स्ट एड के टिप्स इनको बताएंगे कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, क्योंकि दुर्घटनाओं में मृत्यु दर बढ़ रहा है। इस मृत्यु दर को कम करने के लिए ड्राइवरों को भी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग सिखाई जाएगी, ताकि किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जान बचाई जाए। यहाँ पर ड्राइवर कितने फर्स्ट एड ले चुके हैं सर? यहाँ पर 30,000 से ऊपर क्रॉसिंग क्रॉस हो चुका है ट्रेनिंग का, जिसमें से अभी तक सिर्फ 24 आदमी ऐसे मिले हैं जिन्होंने फर्स्ट एड किट को दुरुस्त किया हुआ है। हम अपनी फर्स्ट एड किट को ही दुरुस्त नहीं करते, इस कारण से इनको अवगत करा रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, ताकि ये आने वाले भविष्य में अपनी फर्स्ट एड किट को दुरुस्त रखें और किसी घायल व्यक्ति की मदद कर सकें। ये थे डॉक्टर बिरबल दलाल, रेड क्रॉस सोसाइटी से ट्रेनिंग दे रहे हैं ड्राइवरों को और फर्स्ट एड के बारे में बताया। आज हमें इनसे जानकारी ली। आज़ाद न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े। जय हिंद, जय भारत।